हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉरल वैल्यू एंड योर क्लास सेकेंड। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 3, आवर कंट्री इंडिया। We have completed lesson number 3, our country India, and also exercise of this lesson. But today we are going to start lesson number 4, which name is My Mother. I means Mary, mother means Mata, yani Mary Mata. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर है, डू यू लव योर मदर, क्या आप अपनी माता से प्यार करते हो? इज योर मदर फ्रेंडली विद यू, क्या आपकी माता आपके साथ फ्रेंडली है, यानी आपके साथ एक दोस्त का व्यवहार करती है? हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का पहला अध्यापक कौन है? डू यू शेयर ऑल योर मोमेंट्स विद योर मदर, क्या आप अपनी माता के साथ अपने प्रत्येक पल को शेयर करते हो? तो इन सब बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक बच्चा है, आप देख सकते हैं फिगर में, ये अपनी माता के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है उसको सुन देखेंगे। तो माई मदर इज हाईली एजुकेटेड, तो जो बच्चा बता रहा है कि माई मदर, मेरी माता इज हाईली यानी अत्यधिक एजुकेटेड यानी शिक्षित है। बच्चा कह रहा है कि मेरी माता अत्यधिक शिक्षित है। सी इज वेरी रिलीजियस, सी माने वह, इज माने है, वेरी मीन्स बहुत, रिलीजियस मीन धार्मिक। तो जो वह बहुत धार्मिक है। सी रीड्स द रामायण, सी वह रीड्स पढ़ती है द रामायण, यानी वह रामायण पढ़ती है, द गीता एंड द वैदिक मंत्रास। तो बच्चों क्या क्या पढ़ती है? गीता पढ़ती है और द वैदिक मंत्रास, यानी वैदिक मंत्रों को पढ़ती है, यानी वह गीता पढ़ती है और वैदिक मंत्रों को पढ़ती है। सी रिमेन्ड एज फर्म एज ए रॉक ऑल हर लाइफ, तो बच्चों सी रिमेन्ड वह रहती है एज फर्म यानी स्थिर रहती है, एज रॉक एक पत्थर की तरह, ऑल हर लाइफ यानी अपने पूरे जीवन में, यानी वह अपने पूरे जीवन में चट्टान की तरह स्थिर रहती है। सी राइजेज अर्ली, सी मन वह राइजेज मीन्स उठती है, अर्ली मीन्स जल्दी, यानी वह जल्दी उठती है, वाथ इन फ्रेश वाटर एंड डू एक्सरसाइज इन द पार्क। वाथ मीन्स नहाती है, इन फ्रेश वाटर, इन माने में फ्रेश मीन्स ताजा, वाटर मीन्स पानी, यानी ताजे पानी में, एंड डू एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करती है यानी व्यायाम करती है इन द पार्क, पार्क में। तो बच्चों वह जल्दी उठती है, नहाती है ताजे पानी में और पार्क में एक्सरसाइज करती है। तो बच्चा अपनी माता के बारे में बता रहा है। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ कि मेरी मदर यानी मेरी माता अत्यधिक शिक्षित है, वह बहुत ही धार्मिक है, वह रामायण पढ़ती है, गीता पढ़ती है और वैदिक मंत्र पढ़ती है, और वह अपने जीवन में चट्टान की तरह स्थिर रहती है, वह सुबह जल्दी उठती है, ताजे पानी में नहाती है और एक्सरसाइज करती है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों, दैट इज वाई, यह क्यों, सी इज हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सी माने वह, इस माने है, हेल्थी मीन्स क्या होता है बच्चों, हेल्थी मीन्स यानी वह स्वस्थ है, एंड और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली है, यानी वह शक्ति है और वह स्वस्थ है और शक्तिशाली है। सी गिव्स मी, सी माने वह, गिफ्ट्स में देती है, मी माने मुझे, सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट मैन, सम माने कुछ, एग्जांपल्स मीन्स उदाहरण, ऑफ के ग्रेट मैन यानी महान व्यक्तियों के, यानी वह मुझे कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण देती है। माई मदर इज ऑलवेज चीयरफुल,
यानी मेरी माता, माई मीन्स मेरी, मदर मीन्स माता, इज ऑलवेज यानी हमेशा है चीयरफुल यानी आनंदित, हैप्पी, खुश एंड जोली और मौजी। बच्चों मेरी माता हमेशा आनंदित, खुश और जोली है। इफ आई पुट सम क्वेश्चन टू फादर, इफ मैं, इफ माने यदि, आई माने मैं, पुट सम क्वेश्चंस टू फादर, पिताजी से कोई क्वेश्चन करता हूं या कुछ क्वेश्चन करता हूं, ही स्पीक्स एंग्रीली विद मी, ही माने वह, स्पीक्स मीन्स बोलते हैं, एंग्रीली गुस्से से विद मी मेरे साथ, यानी जब मैं पिताजी से प्रश्न करता हूं तो वह मुझसे गुस्से से बोलते हैं। ही सेज, ही माने वह, सेज मीन्स कहते हैं, ही हैज नो टाइम टू आंसर सच सिली क्वेश्चंस, यानी ही हैज नो टाइम, ही माने ही हैज नो टाइम, उनके पास समय नहीं है टू आंसर सच सिली क्वेश्चंस, इन बचकाना प्रश्नों के लिए। यानी बच्चों भी कहते हैं जब वह बच्चा अपने पिताजी से क्वेश्चन करता है तो उसके पिताजी से कहते हैं गुस्से से कि मेरे पास इन बचकाना प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं है, बट माई मदर लिसन्स टू मी, टू माई प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम लविंगली, बट माई मदर, बट माने लेकिन, माई माने मेरी, मदर मीन्स माता, लिसन सुनती है टू माई प्रॉब्लम्स, मेरी परेशानियों को एंड सॉल्व और सरल करती है देम, उनको लविंगली प्यार से। तो जो बच्चा कह रहा है लेकिन मेरी माता मेरी परेशानियों को सोल्व करती है और उनको प्यार से सुनती है। सी गिव्स अस एवरीथिंग एट टाइम, सी माने वह, गिव्स मीन्स देती है, अस माने हमें, एवरीथिंग सभी कुछ, एट टाइम समय पर, तो जो वह समय पर हमें सभी कुछ देती है। व्हेन माय फादर कम्स होम फ्रॉम ऑफिस, व्हेन मीन्स जब, माय मीन्स मेरे, फादर मीन्स पिताजी, कम्स मीन्स आते हैं, होम मीन्स घर, फ्रॉम ऑफिस कहाँ से, ऑफिस से, कार्यालय से, जब मेरे पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, सी सर्व्स हिम प्रॉपरली, वह उनको प्रॉपरली यानी अच्छे से सर्व करती है, क्या सर्व करती है, खाना हुआ, ठीक है, पानी, टी, कॉफी जो भी है वो उसको, उनको अच्छे से सर्व करती है। सी गिव्स हिम टी एंड सम स्नैक्स, सी गिव्स हिम टी, सी माने वह, गिफ्ट देती है, ही माने उनको, टी में चाय, यानी वह उनको चाय देती है, एंड सम स्नैक्स और कुछ स्नैक्स भी देती है। सी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय फादर, सी इज वेरी यानी वह बहुत पर्टिकुलर विशेष है अबाउट माय फादर, मेरे पिता के लिए, यानी मेरे पिता के लिए वह बहुत विशेष है। माय मदर इज एवरीथिंग फॉर मी, माय मीन्स मेरी, मदर मीन्स माता, इज एवरीथिंग फॉर मी, इस माने हैं एवरीथिंग मीन्स सभी कुछ, फॉर मी मेरे लिए, यानी मेरी माता मेरे लिए सब कुछ है। सी प्लेज एवरी रोल इन माई लाइफ, सी माने वह, प्लेज मीन्स प्ले करती है या दोहरा, एवरी रोल इन माई लाइफ, एवरी मीन्स प्रत्येक, रोल मीन्स भूमिका इन माई लाइफ, प्लेज मीन्स निभाना, बच्चों यहां पर निभाना होगा, ठीक है, प्ले मीन्स उसे खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर कहां पर आया, रोल के लिए आया है। तो बच्चों सी प्लेज यानी वह निभाती है एवरी रोल यानी प्रत्येक भूमिका इन माय लाइफ, मेरे जीवन में वह मेरे जीवन में प्रत्येक भूमिका निभाती है। माय बेस्ट फ्रेंड इज माय मदर, मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी मेरी सबसे अच्छी मित्र इज माय मदर, मेरी माता है। आई शेयर एवरी मोमेंट विद माई मदर, आई शेयर मैं शेयर करता हूँ यानी अपनी बातों को शेयर करता हूँ, एवरी मोमेंट यानी मैं अपना प्रत्येक पल शेयर करता हूँ विद माई मदर, अपनी माता के साथ। मदर इज द नेम ऑफ गुड इन द लिप्स एंड हार्ट ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, बच्चों मदर मीन्स माता, इस माने है द नेम ऑफ गॉड यानी ईश्वर का नाम, इन द लिप्स होठों पर एंड हार्ट और हृदय में, ऑफ लिटिल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के, तो जो छोटे बच्चों के हृदय में और फोटो पर, ठीक है। मदर इज द नेम फॉर गॉड यानी मदर एक नाम है ईश्वर का, इन लिप्स
फोटो पर एंड हर्ट और दिल में ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के दिल में और फोटो में माता एक ईश्वर का नाम है। तो बच्चों ये मेन कम्प्लीट हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ फैक्ट क्या है, यहाँ मोरल बच्चों निकल के आता है, मदर होल्ड्स देयर चिल्ड्रंस हैंड फॉर ए सोर्ड, यानी माता बच्चे का हाथ कुछ समय के लिए थामती है, व्हाइल बट देयर हर्ट फॉर एवर, लेकिन उनका हृदय हमेशा साथ होता है। तो बच्चों आज मैंने इस लेसन का मीन आपको समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बच्चे ने अपनी माता के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि उसकी माता उसके लिए कितनी खास है, किस प्रकार से उसकी परेशानियों को दूर करती हैं, कैसे उसके प्रश्नों का उत्तर देती हैं, कैसे उसकी देखभाल करती हैं, और वह अपनी बातों को अपनी माता से शेयर करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और आप भी करते होंगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी से प्रत्येक बच्चा प्यार करता है। ठीक, तो इस लेसन का मीन मैंने आपको बताया, आपको अच्छे समय में आया होगा, आना ही चाहिए, और नहीं आया है तो आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम इस लेसन की एक्सरसाइज को। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।